हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक रेफर एंड अर्न एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। यहां से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है वेंचुरा। वेंचुरा एप्लीकेशन में आपको पर रेफर 450 रुपये मिलता है। ये किस तरीके से मिलता है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह एक डीमेट अकाउंट कंपनी है। इसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद शेयर मार्केट में काम कर सकती हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग, आप जो भी करना चाहें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इसमें रेफर एंड अर्न के द्वारा भी पैसा कमा सकती हैं, और रेफर एंड अर्न के लिए इसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इसमें कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। साथ ही इसमें लाइफ टाइम के लिए AMC चार्ज भी फ्री है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेंचुरा एप्लीकेशन से रेफर एंड अर्न के द्वारा पैसा कमाने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में से दिए हुए लिंक से आप अपना बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती हैं, और जिन लोगों को आप अपना लिंक रेफर करोगे उनका भी फ्री में ही डीमैट अकाउंट ओपन होगा। तो जो मैंने आपको लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये आपको ब्राउजर पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको कुछ अपनी डिटेल डालनी है, उसके बाद ओपन एंड अकाउंट पर क्लिक करना है। और बाय चांस आपका इनकम्प्लीट रहता है, आपका प्रोसेस कहीं पर छूट जाता है, कॉल आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको रिज्यूम नाउ पर क्लिक करके प्रोसीड कर सकती हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल डाली है और उसके बाद मैंने ओपन एंड अकाउंट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर जो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP रिसीव हुआ है। OTP डालूंगा मैं जो रिसीव हुआ है, फिर वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। और इतना करने के बाद जो ईमेल एड्रेस मैंने अभी डाला था तो उस पर भी OTP गया है, तो वो OTP भी देखकर अभी मुझे यहाँ पर डालना है, और सेम ये वाला OTP भी डालकर वेरीफाई करना रहेगा। तो जब मैं इतना कर दूँगा उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है तो वो आएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल है तो वो देनी होगी, जैसे कि पैन कार्ड का नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आधार कार्ड नंबर। तो जब आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका नाम है तो ऑनलाइन उसको फेच कर लेगा, तो ओके कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये आपका डाटा इसने फेच कर लिया है, और अभी आपको अपने नाम के आगे प्रीफिक्स है तो वो सिलेक्ट करने रहेंगे, और नाम इसने ऑटोमेटिक ले लिए हैं। फादर्स नेम भी डाला हुआ है, और इधर आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है, क्योंकि आधार कार्ड पर मदर्स का नाम नहीं होता है तो वो उसने फेच नहीं कर पाया है। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, और जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है वो किसका है, फादर्स नेम का जो प्रीफिक्स है तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाया था, मैंने कर लिया, अब मैं नेक्स्ट करूँगा। तो उसके बाद ये इसने एड्रेस डिटेल डायरेक्ट आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले ली है, लाइन पर फिल नहीं है। अगर आप उस पर करोगे तो क्लिक नहीं होगा, तो वो तो उसने ले लिया है, आप उसको छोड़ें। आपको नीचे अपने जो बर्थ प्लेस है तो आपको अपने ज़िले का नाम डालना है। उसके बाद अगर आपका करस्पेंड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे, और जो आपका अभी करेंट एड्रेस है आप उसको डालोगे। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यस करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको सेगमेंट डिटेल फिल करनी है, तो इधर आपको इक्विटी और करेंसी पर सिलेक्ट रहने देना है, और अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप इधर डेरिवेटिव्स को भी क्लिक रहने दें तो बेटर है, अदरवाइज आप इस क्लिक को हटा सकते हैं अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो। तो अभी मैंने हटा दिया है और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा ब्रोकरेज डिटेल, तो आप इसमें से फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करोगे, बाकी के जो इधर चार्ज लग रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं, तो आपको इक्विटी वाला सिलेक्ट करना है, और आप चाहें तो कम्युनिटी वाले को भी कर सकते हैं, पर मैंने इक्विटी वाले को क्लिक किया है और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है, तो मैंने अभी इसमें अपनी पेटीएम की डिटेल फिल कर दी है, अकाउंट नंबर डाल दिया है, ऊपर IFSC कोड भी डाल दिया है, नीचे सेविंग अकाउंट पर क्लिक किया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। तो अभी जो 1 रुपये है तो वो कंफर्म करने के लिए हमारे बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है, और ये इसीलिए भेजा जाता है ताकि पता चल जाए कि हाँ आपका जो बैंक अकाउंट है तो वो चालू है। उसके बाद आपको इधर अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना रहेगा, तो आप क्या काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल आपका कौन सा काम है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। आप स्टूडेंट हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर डिटेल देनी होगी, तो मैंने डाल दिया कि मैं अपना यूट्यूब का बिजनेस है तो वो करता हूँ। उसके बाद इधर आपको एनुअल इनकम मतलब कि पूरी साल की कमाई है तो डालनी होगी, तो आप इधर कम ज़्यादा कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने 1 से 5 लाख पर क्लिक किया। उसके बाद नीचे आ रहा है कि आप इंडिया से बाहर कहीं टैक्स देते हो, तो मैंने नो पर क्लिक किया। मैंने आगे किया तो इधर ये नॉमिनी डिटेल पूछ रहा है, तो अगर आप नॉमिनी डिटेल
देना चाहते हैं, आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो आपको इतनी डिटेल उसकी भरनी पड़ेगी। तो मैं अभी इसको नो पर ही क्लिक रहने देता हूँ और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद ए प्रीव्यू, मतलब कि आप अपने एप्लीकेशन को एक बार लास्ट में जाके देख सकते हो और इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर ये सही है तो आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको इधर अपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप पहले अपने मोबाइल में उसका फ़ोटो खींचें, फिर उसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसका क्रॉप करें, तो वो उसका साइज़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद आप अपने सारे प्रूफ इधर अपलोड कर देना, उसके बाद नेक्स्ट करना। तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है, तो आप टेक सेल्फी पर क्लिक करोगे, आपकी सेल्फी इधर ले ली जाएगी। अगर आपकी सेल्फी सही है तो आप नेक्स्ट क्लिक करोगे। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो आप इन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रख सकती हैं। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा, इधर आपको ई साइन डिटेल करना है, और यहाँ पर आपको क्लाइंट कोड भी मिल चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको बॉक्स पर क्लिक करना है और डू द ई साइन PDF पर आपको क्लिक करना है, तो आपको सीधा रीडायरेक्ट किया जाएगा NSDL की वेबसाइट पर। इधर आपको बॉक्स पर टिक करना है, अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है, और आपका जो आधार कार्ड लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस पर OTP आएगा, तो वो OTP देख के आपको डालना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं, अब आपको मेल पर इसका क्लाइंट कोड और पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है वेंचुरा एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें फंड ऐड करना है, और फंड ऐड करने के बाद आप इसमें फर्स्ट ट्रेड करना है। फर्स्ट ट्रेड करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप इसमें किसी को भी अपना लिंक रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, इसमें आप फंड कितने भी रुपए का ऐड कर सकते हैं। फंड ऐड करने के लिए इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप इसमें 50 60 70 रुपए या फिर 100 जितने का ही फंड ऐड करना चाहें, फंड ऐड करके आप ट्रेड कर लें, उसके बाद आप अपने फंड को विथड्रॉ भी कर सकती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसमें रेफर वेंचुरा एप्लीकेशन से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्पेशली गूगल क्रोम पर सर्च करना होगा वेंचुरा रेफर एंड अर्न। तो मैंने सर्च किया, यहां पर इसका जो फर्स्ट लिंक है तो वो आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको दोस्तों इस तरीके से ये दिखेगा। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर रेफर 450 रुपये मिलेगा, और यहाँ पर ये आपको हर रेफर पर मिलेगा। तो आप इसमें किस तरीके से पा सकते हो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी जीरो है, AMC चार्ज भी जीरो है, और इसमें ब्रोकरेज है तो 18 रुपये लगेगी, और इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि कहाँ पर लगेगी। और इसके बाद कॉल एंड ट्रेड की भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेफर एंड अर्न करने के लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पर रेफर आपको 450 रुपए मिलेंगे, और ये आपको दो रेफर तक 450 ही मिलेंगे, लेकिन जो तीसरा रेफर है तो उसका आपको 450 तो मिलेगा ही, साथ ही आपको 100 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दोस्तों ये है इसका रेफर एंड अर्न। तो थर्ड रेफर पर आपको इसमें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप इसमें एक महीने में सिर्फ 6 लोगों को रेफर कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप ज़्यादा लोगों को अपना लिंक रेफर करते हैं और आपके लिंक से अकाउंट कंप्लीट होते हैं तो वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको इसमें सिर्फ 6 लोगों का ही रेफर मिलना है, जो कि 2700 रुपये होता है। अगर आप 6 लोगों को लिंक अपना रेफर करते हैं और वो अकाउंट ओपन करने के बाद वो अपना ट्रेड भी कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया था, यहाँ पर दिया गया है दूसरे पॉइंट में कि आपके लिंक से जो अकाउंट ओपन करेगा VSL मतलब कि वेंचुरा सिक्योरिटी लिमिटेड में, और उसको इधर फर्स्ट ट्रेड भी करना जरूरी है, तब उसका अकाउंट एक्टिवेट होगा, तभी आपको 450 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों 450 के हिसाब से यहाँ पर इधर 6 लोगों का होता है 2700 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है तो वो है कि आप इसमें, जो कि दोस्तों बिल्कुल काम का नहीं है, तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको जाना है अभी इधर नीचे। तो दोस्तों इधर ये नीचे इसमें ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से किसी को भी अपना लिंक रेफ़र कर सकते हैं। लिंक रेफ़र करने के लिए इधर आपको अपना क्लाइंट कोड डालना होगा, जैसे कि मेरा है। क्लाइंट कोड डालने के बाद आपको जनरेट लिंक पर क्लिक करना है। जब आप जनरेट लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका लिंक निकल के आ गया है। अब आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर और लिंक्डइन। उसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं और आपकी मर्जी जहाँ पर आप इसको लिंक रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना लिंक निकाल सकते हैं।
अब आप जिन भी फ्रेंड को अपना लिंक रेफर कर रहे हैं और वो आपके लिंक से अकाउंट कंप्लीट करते हैं या फिर उनका अकाउंट इनकम्प्लीट रहता है, तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर किसी का भी लीड चेक नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी ना तो आपको एप्लीकेशन में मिलती है, ना ही ये आपको गूगल क्रोम पर मिलती है इसके रेफर एंड अर्न सेक्शन में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने अपना नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और अपनी ईमेल एड्रेस दिया है, तो रेफर एंड अर्न के लिए इन्होंने अपना स्पेशल ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है। तो आप इनसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मैंने इस फ्रेंड को अपना लिंक रेफ़र किया था, या फिर आपको नहीं पता, जैसे कि मैंने अपना लिंक यूट्यूब पर डाल दिया, अब मुझे नहीं पता कि हमारे लिंक से कौन अकाउंट बना रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इनसे पूछ लूँगा कि हमारे लिंक से कितने अकाउंट ओपन हुए हैं। तो आप इनको मेल कर सकते हैं, ये आपको मेल पर भी बता देंगे, अदरवाइज आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपको कॉल करके आप इनको अपना मेल आईडी भी दे सकती हैं, तो ये आपको मेल पर रिपोर्ट भी भेज देंगे। जो भी इनके यहाँ पर रिपोर्ट रहेगी वो आपको भेज देंगे कि कितने अकाउंट इनकम्प्लीट हैं और कितने अकाउंट अभी पेंडिंग है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इसका पैसा किस तरीके से विथड्रॉ करोगे। दोस्तों पैसा विथड्रॉ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर ऊपर जाना है और ऊपर जाके आप इधर देख सकती हैं कि वैन विल यू बी रिवार्डेड। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आपको इधर सीधा बैंक अकाउंट में आएगा, आपको विथड्रॉ वगैरह कुछ भी नहीं करना है। तो ये एवरी मंथ की 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो जैसे कि मैं इस महीने जो भी काम करूँगा तो वो मुझे अगले महीने की 15 तारीख को आ जाएगा, या फिर मैं अभी 2-3 तारीख को काम कर लेता हूँ तो ये फिर मुझे 15 तारीख को मिल जाएगा, या फिर मैं 16-17-18 को करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट 15 तारीख को मिलेगा। तो दोस्तों ये है इसका पैसा विथड्रॉ करने का प्रोसेस। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको विथड्रॉ नहीं करना है, सीधा एक कंपनी आपको बैंक अकाउंट में भेज देगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेंचर एप्लीकेशन का, तो जाइए अभी अपना अकाउंट कंप्लीट करिए। इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।